आत्महत्या की थी, उनकी हत्या करवाई थी। ब्याज, वो ब्याज से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। बच्चों से वो बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे बच्चों से। फिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? सदगुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन, हैंड पिक्ड फैब्रिक्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स, सदगुरु स्टोर नगीना बाग अजमेर। उन्होंने, कुछ लोगों ने उनको परेशान किया होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा। उनको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उनको। कौन लोग धमकी दे रहे थे, कुछ कर रहे थे? राकेश शर्मा, जितेंद्र शर्मा, और मैं नाम जानती नहीं हूँ। वो बहुत परेशान रहते थे, एक दो दिन से बहुत परेशान रह रहे थे। वो सो भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कुछ बताया नहीं मुझे कि ये लोग तो ले। वो परेशान थे जब थाने पे गए थे? नहीं, उन्होंने कुछ बताया कि ये लोग? वो कुछ नहीं बताना चाहते थे। वो लोगों से हमेशा हंस के बात करते थे कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे पापा मम्मी दुखी ना हो, मेरी बहन दुखी ना हो, मेरे ससुराल में, मेरे पियर में वही काम करने वाला एक सदस्य था, सबसे प्रमुख, उनको मारा गया है, मारा गया, हत्या नहीं है ये। अच्छा, उन्होंने कोई सुसाइड नोट लिखा था क्या? हाँ। क्या लिखा था? मुझे नहीं पता उसके बारे में। आप लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया क्या? हाँ। पुलिस क्या कह रही है? मुझे समाज पे पूरा विश्वास है, मुझे मेरे भाइयों पे, मेरे परिवार पे विश्वास है। एसपी साहब से मिले, क्या बोले? वो बोले पूरा को लेकर माना आंदोलन करेंगे, वो बोले कि हाँ करूंगा, नहीं करेंगे तो आंदोलन होगा और उनको सजा मिलके रहेगी। 15 दिन का समय दिया है, केवल 15 दिन से अगर 16वां दिन हो गया तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा राजस्थान स्तर पर। आपका नाम बताओ? मेरा नाम कविता है। देखिए, विजय सिंह ने सुसाइड किया है जो रावणारायपुर समाज से है। हम प्रशासन को चेतावना चाहते हैं कि 15 दिन का समय मांगा प्रशासन ने। एडिशनल एसपी साहब से भी हमने बात की है, तो उन्होंने 15 दिन का हमें समय दिया है कि 15 दिन के अंदर हम निष्पक्ष जांच कर देंगे इसके अंदर। जो भी गिरफ्तार, जो भी इसमें राकेश और जितेंद्र जो लोग हैं उनकी भी जाँच चल रही है, वॉइस रिकॉर्डिंग की जाँच चल रही है। 15 दिन के समय के बाद हम ये कहना चाहते हैं राजस्थान सरकार को कि हमने, रावणा राजपूत समाज ने इससे पहले रिजल्ट दिया था, जल्दी मत भूले कि हमारे वोट में बहुत ताकत है, हम सत्ता को परिवर्तन करने की ताकत रखते हैं। और जब मुख्यमंत्री महोदय ये कह रहे हैं कि ब्याजखोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए, नहीं हम बड़ा आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और जिसका परिणाम राजस्थान सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। छोटे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उसमें हम परिणाम बता देंगे कि रावणा राजपूत संगठित हो चुका है और उसमें बहुत ताकत है। ये चीज़ हम कहना चाहते हैं राजस्थान सरकार को, आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम रणजीत सिंह सोडाला, प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान। ठीक, मैं दिक्कत ये है कि जब होता है तब कोई नहीं आता। एक बार अंतिम मुझे जरूरत नहीं लगता कि पहले कहीं सूचित किया हो कि भाई इस तरह कोई चीज़ आ रही है। पहली बात तो आजकल सरकार है वो विभिन्न स्तर पर बैंकों से, इनसे सब जगह ब्याज का प्रावधान किया हुआ है, एक्ट भी बनाए हुए हैं। तो जनता से यही है कि इस तरह के लोगों के चंगुल में नहीं फंसे। ठीक है सर, अगर होता है इस तरह कोई चीज़ आती है तो ये एक्सट्रीम होने से पहले अगर सूचित करें शायद कुछ कार्रवाई हो जाए और कम से कम ये जो घटना हुई ये न हो। सर, किशनगढ़ में जो अभी आपके दरवाजे पर आए ये रावणा राजपूत, क्या मामला है? यह विजय सिंह पंवार है जो गांधी किशनगढ़ के हैं, गांधीनगर थाना क्षेत्र का प्रकरण है। ये उन्होंने सुसाइड कर लिया था 26/2 को। इस संबंध में 300 प्रकरण दर्ज है गांधीनगर थाना पे। तो उसमें बात ये आ रही कि साहब वो कहीं ब्याज वगैरह, लोन वगैरह लिया हुआ था लोगों से, लोन का चुकारा नहीं हुआ या किस कारण, क्या हालात रहे, उस चीज़ में उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसा मतलब बता रहे हैं, सुसाइड नोट भी है और कोई रिपोर्टिंग वगैरह भी है। और SHO को निर्देशित किया गया है कि वो सारे चीज़, सारे फैक्ट ले और जल्दी कार्रवाई करे। आज ये आरोप है, एक राकेश शर्मा है और एक जितेंद्र शर्मा है, इन पर लगाया हुआ है इसमें, जो उन्होंने अभी ज्ञापन दिया है उसके अनुसार। बाकी जो भी कोई क्या जांच से जो भी चीज़ आएगी इसके लिए कह दिया है एडिशनल SP ग्रामीण, उनके निकट सुपरविजन में अनुसंधान करवाने के लिए निर्देशित किया है, ताकि जांच जल्दी हो और सही हो दोनों चीज़।